हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ करंट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहली यूनिट है, सॉरी 12th की पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें हमने चार्ज की रेस्ट पोजीशन के बारे में बात की थी कि जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, वो हमेशा रेस्ट में रहता है। इसके बारे में हमने बात की थी। अब सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो इस चार्ज ने मूव करना स्टार्ट कर दिया था, और ऐसे ही थर्ड जो यूनिट है, जो अब हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें ये चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है एक वायर के अंदर। और इस रेट ऑफ दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, मीन्स इन यूनिट थर्ड चार्ज इज मूव इन ए वायर, और वी कैन से करंट फ्लो इन ए वायर, एंड ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ करंट सम इफेक्ट इज देयर। मीन्स जब वायर के अंदर करंट फ्लो होता है तो इसके अराउंड एक इफेक्ट आ जाता है, और वो इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो इसलिए जो थर्ड यूनिट है इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इसमें हम अब थर्ड स्टेप, यानी ये पहला स्टेप था जिसमें चार्ज रेस्ट पे था, चार्ज मोशन में। दूसरा स्टेप, वो थर्ड यूनिट के अंदर चार्ज मोशन में है, इसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा वो हमने स्टडी करना है, जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें देखो, इन द लास्ट यूनिट, या हमने इसके नोट्स भी बनाए हुए हैं, इन द लास्ट यूनिट वी स्टडीड दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो इन द यूनिट, वी स्टडीड दैट व्हेन करंट फ्लोड थ्रू ए वायर इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इस यूनिट में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जब करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो अब आगे देखें, अब आगे हम बात करेंगे कि ओरिस्टिड एक्सपेरिमेंट क्या है। ओरिस्टिड एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में इस बात को शो करता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। तो एक वायर है, ये ए बी वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ये रियोस्टेट है, ये सेल है, और ये क्या है, की है। तो जैसे ही, और इस साथ में ये हमारे, ये मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ऑब्जर्व क्या क्या किया गया, ऑब्जर्व ये किया गया कि जैसे ही वायर से करंट फ्लो करवाया गया तो इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की वजह से जो नॉर्थ पोल है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो साउथ पोल है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस करंट ने इस मैग्नेट को क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया। एंड यू नो दैट ए मैग्नेट कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय एनी मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसका मतलब क्या है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई थी, उसी ने इस कंडक्टर को, इस मैग्नेटिक नीडल को क्या करवा दिया, डिफ्लेक्ट करवा दिया। तो इतना ये है ओरिस्टिड एक्सपेरिमेंट जो हमने स्टडी किया है। तो इसका जो अब ये डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन हम ऐसे स्नो रूल से देते हैं, उसको भी देख लेते हैं क्या होता है स्नो रूल। अब देखें, अब स्नो रूल के अकॉर्डिंग देखें क्या होता है। स्नो रूल के अकॉर्डिंग कि अगर करंट साउथ से नॉर्थ हो, देखो ये एंड साउथ थी और ये एंड नॉर्थ था, तो इसमें करंट साउथ से नॉर्थ है, तब नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। तो इसका नॉर्थ पोल किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये स्नो रूल है। उसके बाद है एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल अब देखिए क्या होता है। एम्पियर स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग कि अगर मान ले ये वोटर है और कोई मैन इसके अंदर स्विम कर रहा है, ये मैन इसके अंदर स्विम कर रहा है, तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। कब? अगर करंट इसके फीट से एंटर कर रहा हो और हेड से लीव कर रहा हो, तब इसका जो नॉर्थ पोल है वो लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। आगे देखें, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। अब इसको ध्यान से समझे, मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड है,
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग, ओके, एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यहाँ पर जो है ये पार्टिकल की डायरेक्शन है, यानी ये पार्टिकल कुछ ऐसे मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये पार्टिकल की डायरेक्शन है, और इनके बीच में जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये एंगल थीटा के इक्वल है, ये बात आप ध्यान रखें। और ये अब जो वी है, वी को अगर अब टू कंपोनेंट में ब्रेक करें तो ये वी थीटा के साथ में किस में ब्रेक हो जाएगा, वी कोस थीटा कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर किस कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा, वी साइन थीटा कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा। एक बात और यहाँ पर नोट करें, ये जो वी साइन थीटा कंपोनेंट है ये आपके मोबाइल स्क्रीन से बाहर की तरफ है या लैपटॉप स्क्रीन से बाहर की तरफ है, इस बात का आप ध्यान रखना, ये बाहर की तरफ है, आउटवर्ड। तो जब ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है बाहर की तरफ है, तो इस मैग्नेटिक मैग्नेट की डायरेक्शन के साथ कितने का एंगल बना रहा है ये वी साइन थीटा कंपोनेंट, 90 डिग्री। और वी कोस थीटा, देखो वी कोस थीटा भी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, तो वी कोस थीटा तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 एंगल बना रहा है, लेकिन वी साइन थीटा 90 डिग्री। और इसमें जो फोर्स लगता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इन चार्जों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। दूसरा इस बात पर डिपेंड करता है कि ये वी साइन थीटा कंपोनेंट कितना है, तो वी साइन थीटा कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। और तीसरा इस बात पर डिपेंड करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू है, तीसरा किस पर डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इन तीनों को मिला दें तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, फोर्स की वैल्यू हमारे पास आएगी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, एंड यू नो दैट साइन थीटा इज क्रॉस प्रोडक्ट, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू वी क्रॉस बी, ये वेक्टर फॉर्म के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर एफ वेक्टर लगा दें तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। स्पेशल केस में थीटा 0 पुट कर दो, 0 आ जाएगा, 180 पुट करो तब, 90 पुट करो तो मैक्सिमम आ जाएगा। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसकी डायरेक्शन हम या तो स्क्रू रूल से दें या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दें। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है वो देख लें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर कोई ये है हमारे पास, मान लिया हमारा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड में ये अगर थंब शो कर रहा है, थंब है ये फर्स्ट फिंगर है और ये सेकंड फिंगर है, तो क्या पाया गया, जो थंब है थंब फोर्स को शो कर रहा था, फोर्स को, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को और थर्ड फिंगर मोशन ऑफ चार्ज या करंट को, थर्ड फिंगर करंट को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसको याद आप कैसे करेंगे, फादर मदर चाइल्ड, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर करंट। एक तो ये रूल है फोर्स को डिस्कस करने का, दूसरा है स्क्रू रूल। स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग देखें कि मान लिया ये आपका इस डायरेक्शन में, आप एज्यूम करें कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड, एफ वी क्रॉस बी आता है, यानी वी से बी की तरफ जाना है। मान लें यहां पर कोई स्क्रू है, यहां पर ये स्क्रू है, ठीक है, अब इस स्क्रू को आपने वी से बी लेके जाना है, यानी ऐसे घुमाना है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घुमाना है ऊपर से, तो आपको पता है स्क्रू क्या कहां पर जाएगा, बाहर की तरफ मूव करेगा, आउटवर्ड मूव करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी,
आउटवर्ड हो गई, ये बात आप ध्यान रखें। ऐसे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से, सॉरी स्क्रू रूल से, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या देंगे इसकी डायरेक्शन के बारे में बताएं। अब एक बार इसकी यूनिट और देख लेते हैं। हमें ये पता है कि जो एफ है फोर्स हमारा किसके इक्वल होता है, फोर्स हमारा होता है क्यू वी बी के इक्वल। देखो फोर्स हमारा किसके इक्वल होता है, क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल। तो बी निकाल लें तो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डिवाइड बाई क्यू वी बी, ऐसे आ जाएगा। तो अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे जो निकाली है, सॉरी बी इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो निकाल ली है इसकी यूनिट टेस्ला होती है, टेस्ला, टेस्ला, TESLA, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। तो अगर 1 टेस्ला डिफाइन करना है, इसको 1 लेके आना है, तो इसको 1 न्यूटन पुट करना पड़ेगा, चार्ज को 1 कूलम, वी को 1 मीटर पर सेकंड, थीटा को 90 डिग्री। तो देखिए थस मैग्नेटिक फील्ड, थस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट इज सेट टू बी 1 टेस्ला। चार्ज कितना हो गया, 1 कूलम, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो गई, और फोर्स ऑफ 1 न्यूटन आ गया। तो वही जो हमने बात की थी, बाकी सारी क्वांटिटीज में 1 1 रख दें हम, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 आ जाती है। डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लें, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है आपको, MLT-2 होता है, क्यू का AT होता है, वेलोसिटी का LT-1 होता है, सारी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए एक न्यूमेरिकल है, मास की वैल्यू 6.65 × 10⁻²⁷ दे रखी है, एंगल राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ये देखिए ध्यान से राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, और स्पीड दे रखी है 6 × 10³। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फार्मूला क्यू वी बी साइन थीटा होता है, बाकी सारी वैल्यू दे रखी है पुट करें, और एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो AF/M के इक्वल होता है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ तक का फोर्स जो हमने मैग्नेटिक फोर्स डिस्कस किया है, ये अच्छी तरह से इसको एक बार वीडियो देखें, बार बार रिपीट करें, और उसके बाद हम बायट सेवरेटला नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।